दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक दोस्त ने दोस्त की पत्थर से वार कर हत्या कर दी। आज सुबह 4:30 बजे आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। आरोपी का कहना है मृतक भारत उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाने इलाके से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान त्रिलोकपुरी में एक युवक दिखाई दिया जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। पुलिस ने युवक को रोका और कपड़ों पर लगे खून के बारे में पूछा तो युवक ने बताया उसने अपने दोस्त भरत की पत्थर से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ शुरू कर दी। पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि आरोपी ने युवक की हत्या कबूल कर ली है और पूछताछ में बताया कि मृतक उसके साथ पिछले काफी समय से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने भरत की हत्या कर दी। ये एक मैटर रिपोर्ट हुआ था हमें, तकरीबन 4:30 बजे के करीब का इंसिडेंट का टाइम है। मोनू नाम का एक युवक है, उसने अपने एक साथी की जो भरत है उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद ये खुद ही थाने की तरफ आ रहा था और वहाँ जो हमारी ईआरवी गाड़ी ने जब उसकी बॉडी में ब्लड स्टेन्स देखे तो उसको रोक के क्वेश्चन किया, तब उसने इस क्राइम के बारे में बता दिया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या की है। पूछताछ करने पर पता चला है कि ये दोनों दोस्त थे, जानने वाले थे, इनकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी और पिछले तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का जो रीज़न रहा है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रहा है। बाकी इसके अलावा ये भी था कि इसमें जो एक्यूज है इसको कुछ पैसे भी देने थे, जो डिसीज्ड है किसी का मोबाइल इसने बिकवाया था तो उसमें ये कह रहे थे कि इसको कुछ पैसे भी वो डिमांड करता था, जो डिसीज्ड है इससे पैसा डिमांड करता था। बट अभी हमारी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें इमीडिएट जो कॉज ऑफ प्रोवोकेशन है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स था। सर जैसे कि आपने बताया फेसबुक से इनकी दोस्ती हुई सोशल मीडिया के चलते, तो क्या ऐसा ऐसा है कि और लोग भी संपर्क में रहे इस या पूरा एक इनका समूह हो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट पर? ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग कवर करेंगे। बाकी अभी जो पूछताछ है उसमें केवल इन्हीं दोनों की ही दोस्ती का मामला सामने था। आरोपी का नाम मोनू है, वहीं मृतक की पहचान भरत 32 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक भरत के परिजन का आरोप है कि पैसे के लेन देन के चलते हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, जिसको मारा गया कौन है, क्या नाम था? भाई था। क्या नाम था भाई का? भारत। क्यों मारा उसको? पैसे ले रखे थे भारत से, उनने 1-1.5 साल पहले 3-4 लाख रुपए उसमें से कुछ ही पैसे लूटा है। उसके बाद इनकी अनबन हो गई होगी। एक बार फोन भी चोरी कर लिया था 1 साल पहले 35,000 रुपये का उसका, और रात में लेके चले गया, पी खाई और ईंट मार दी सर में। किसने मारा भाई को आपके? मोनू ने। उसने कुछ कहा आप लोगों को मारने के बाद? आप लोगों से कुछ नहीं कहा, बस उनने इतना कहा कि मेरे को अभी मजा नहीं आया मारने में, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। देखिए 4 बजे गए थे शाम के टाइम तैयार व्यार होकर सगाई मजाना थे उन्हें, तो जब से फिर पता नहीं चला, फिर सुबह पता चला जी घर पर जब 3-4 पुलिस वाला आया तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया कल्याणपुरी था, वहाँ पे त्रिलोकपुरी थाने से बोल देते हैं। फिर हमने गए तो वहाँ पे कुछ ईंट वीट रखी हुई थी, फोन उन पड़ा हुआ था, वहाँ पे बाकी कुछ नहीं था, फोन भी फेंक दिया गया जिनने मारा था, फोन पर्स पुलिस के पास पर्स। मेरा लड़का है भारत नाम है उसका। क्या कैसे हुआ था भारत के साथ? भारत को शाम को 4 बजे से पार्टी में गया था, जो लड़का ने मारा है वो लड़का खुद बुला के लेके गया घर से, और मयूर विहार से सुबह हमको पता चल रहा है थाने से पुलिस आई है मेरे घर पे, यह उनका मर्डर हो गया, लाल बहादुर में बॉडी आ गई थी। मैं जब यहाँ देखने आया सुना तब तक गया हूँ। तो क्या वजह है मारने के बच्चे की आपके, कुछ मालूम चला आपको? मैं पैसे की लेन देन था जी। दिल्ली दस्तक के लिए मिंटू झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट। We'll be right back.